वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। मैं तो आज बहुत ज़्यादा खुश हूँ। फाइनली जो है हमारी लेह राइड शुरू हो चुकी है और भाई देखो हमारा डूका कैसा लग रहा है। पहले तो ये चेकआउट करो भाई, सामान इतना ज़्यादा हो रखा है ना, बहुत ही ज़्यादा सामान हो रखा है और फिलहाल ये सारी चीज़ें ढीली क्यों हो गई हैं। गाइस देखो फाइनली हमारा वो दिन आ चुका है जब अपनी लद्दाख ट्रिप के लिए चले गए। फिलहाल ये एपिसोड 1 है भाई। आज की जो चीज़ें होने वाली है वो भी कुछ चीज़ें मुझे बताया, जैसे कि आज हमारी बाइक की सर्विस होने वाली है, क्योंकि बिना सर्विस के तो भाई बाइक लेके जाना ना बहुत ही बेकार रहेगा भाई, चांस वहाँ कुछ हो गया तो। और उसके बाद फिर भाई आज का जो हमारा स्टे रहेगा ना वो रहेगा हल्द्वानी तक। हल्द्वानी में भी हमें कुछ काम है। तो यस गाइस, बाकी आप ये नज़ारे देखो यार, ये सारी चीज़ें ना बहुत जल्दी मैं मिस करने वाला हूँ, क्योंकि लद्दाख जाएंगे तो भाई वहाँ पे क्या होने वाला है ना, बर्फ़ बर्फ़ बर्फ़, लेकिन उससे पहले गर्मी गर्मी गर्मी। तो बस मैं यहाँ पे एक व्यू पॉइंट पे रुका हूँ और अपनी डूब बहुत ही शानदार लग रही है भाई। फर्स्ट टाइम ऐसे बैग वैग के साथ ना चल रहा हूँ। फिलहाल अभी ना इसमें सामान बहुत ज़्यादा है तो ये कुछ सामान को कम करना है भाई। और अभी बताया लगभग ना 7 बजने को है, 7 बजे ही मैं निकल गया हूँ, तो जल्दी से अब चलते हैं। आपको सीधे मैं मोटो व्लॉग पे मिलता हूँ। मौसम इतना सुंदर हो रहा है ना यार, जब तक हम लोग ना देहरादून या फिर शिमला वगैरह तक जहाँ से भी हम लोग ने जाना है वहाँ नहीं पहुँच जाते तब तक भाई, काश ऐसा ही मौसम होता ना तो मज़ा आ जाता भाई। सिर्फ इस मौसम की वजह से पता मैंने यार राइडिंग पैंट नहीं पहनी कि मुझे ना वहाँ पर बहुत दिक्कत हो जाएगी करके टनकपुर में, क्योंकि गर्म हो जाएगा। तो गाइस देखो यार, चंपावत पहुँच जाते हैं। और भाई आज का प्लान ये है ना कि मैं तो अभी सुबह सुबह इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि मुझे करवानी है सर्विस, बाकी भाई और राइडर्स जो हैं जैसे हिमांशु और डिवॉन राइडर भाई, यस गाइस फाइनली अब डिवॉन राइडर भी आ रहा है जो कि लास्ट मोमेंट में उसने प्लान बनाया, तो वो लोग जो है दिन से आएंगे। और आज जो है हम लोग हल्द्वानी पे रुकने वाले हैं। पहले प्लान ये था कि हम लोग टनकपुर ही रुकेंगे और वहाँ से सबके साथ राइड को कंटिन्यू करेंगे, लेकिन अब फिलहाल प्लान में चेंज आ चुका है। पहले यार बाइक में ना थोड़ा फिल कर लेते हैं पेट्रोल। तो भाई तेल तो भरवा लिया है। और यार आज का मौसम कितना शानदार हो रहा है ना, आज अगर ऐसा मौसम ना हल्द्वानी तक हो। और देखो 8:30 हो गए ना, अभी तक मैं सवाला ही पहुँचा हूँ। एक्चुअली ना बहुत धीरे जाना पड़ रहा है भाई, सामान बहुत ज़्यादा है ना, और बहुत टाइम के बाद मैं ऐसे राइड कर रहा हूँ सामान के साथ, तो थोड़ा सा ना सेफली चलना पड़ रहा है। बाकी पता है आज दिन से ना सब लोग आने लग जाएंगे और कल से तो भाई लेह के ट्रिप में ना लगभग 9 राइडर्स हैं और 8 बाइक हैं भाई। एक हमारे साथ पिलियन भी आ रहा है तो वो भी बहुत सही चीज़ हो गई। बाई चांस अगर किसी को कुछ दिक्कत हो गई तो पिलियन जो है उसकी बाइक चला सकता है और एक बंदा पीछे बैठ सकता है। और यार आज ना पता नहीं माइक में आवाज़ कैसी आ रही होगी, देखो फर्स्ट डे है तो बहुत सारी चीज़ें ना ऊपर नीचे भी होंगी। आज मैंने भाई एक नई चीज़ कर रखी है ना, जितने भी राइडर्स मेरे साथ ज्वाइन होंगे ना इंटरकॉम से उनकी भी आवाज़ सुन सकते हो, तो इसलिए मैंने उसमें एक एक्स्ट्रा माइक लगा रखा है विथ 1 न्यू अडेप्टर। तो देखते हैं कि आवाज़ कैसी आ रही होगी भाई उसके साथ ना। ओहो भाई आगे तो देखो एक ट्रक कैसे पलटा हुआ है यार, मुझे लग रहा है ना पक्का ब्रेक फेल हुआ होगा इस वजह से ये इस तरीके से पलट रखा है भाई। ये देखो ये पक्का इसमें ना ब्रेक फेल हुआ होगा और आई होप कि जो भी इसे चला रहा हो ना वो सेफ हो। भाई वैसे मानना पड़ेगा यार, आज जिस दिन भी हम लोग ना टनकपुर खड़ी में आते हैं और बाइक में आते हैं भाई, उस दिन मौसम इतना अच्छा हो जाता है ना। और आज भी देखो मौसम बहुत अच्छा हो रहा है फिलहाल, बाकी देखते हैं भाई शाम तक कैसा रहता है यार। शाम तक भी अगर ऐसा ही मौसम रहेगा ना तो मज़ा ही आ जाएगा। अब अभी से ना 2 घंटे ऐसे जाएंगे ना मेरे बहुत ही गंदे वाले। अब जल्दी से बस मेरी बाइक की सर्विस कर दें तो मज़े हैं, नहीं तो भाई क्या 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 यहाँ। बस बढ़िया, कैसे हो आप, ठीक हो? फ़ोन मैंने कहा तो था आपसे 2 को मेरा फाइनल है करके।
तो भाई देखो यार, मेरी गाड़ी की तो सर्विस हो गई है ना, आज इतनी जल्दी सर्विस हो रखी है लगभग 1-1.5 घंटे में, क्योंकि मैं जल्दी भी आ गया था और मैंने इनसे पहले बोल दिया था भाई मुझे जो है लॉन्ग राइड पे जाना है, हमारी लॉन्ग राइड, ठीक है। तो इन लोग ने भाई सर्विस कर दी है, अब जल्दी से घर जाते हैं। देखो अभी ना लगभग 1 बज जाता है और हिमांशु लोग अभी भी चंपावती हैं, तो उनको लगभग 3 घंटे लगने वाले हैं भाई आने में यहाँ लगभग ना। तो अब मैं जल्दी से मौसी लोग के वहाँ जाता हूँ, थोड़ी देर रेस्ट करता हूँ, उसके बाद फिर साथ में जो है सब लोग जाएंगे। तो चलो फिर अब चलते हैं यहाँ से। तो गाइस देखो यार, सर्विस तो हमारी बाइक की हो गई है, बट यार सर्विस इतनी महंगी होती है ना। एक्चुअली पता, मैंने इसके ना डिस्क ब्रेक भी चेंज करे, तो उससे भाई ये थोड़ा ज़्यादा सर्विस ज़्यादा महंगी पड़ गई थी। टोटल 5000 रुपीज़ की सर्विस हो रखी है। हम लोग जा रहे हैं अभी हल्द्वानी को, हिमांशु लोग आ चुके हैं, वो सामने पे उनकी बाइक है, और अभी लगभग ना 3:30 हो गए हैं, 3:33, और यहाँ पर को ये लोग खा रहे हैं क्या, आइसक्रीम। भाई देखो कैसे राइडर बिल्कुल तैयार यार होके आ रखे हैं यार, भयंकर लग रही है ये, डुका दो। अरे भाई कितना भयंकर सामान हो रखा है, पर स्पेस बहुत ज़्यादा है यार। अरे तुम बहुत तेज़ आ रहे हो ना यार। नहीं नहीं मैं नहीं खा रहा अभी। पहुँची क्या फाइनली? मत कर यार, अब मत कर, तेल अब इतना चाहिए ही नहीं। बल से चाहिए था ना वैसे भी तेल, तो हमें तेल से जब हम मारने जा रहे थे। हाँ तो रुक जाएंगे, चल देख लेंगे वो वाला। तो पर अब हम दोबारा लद्दाख आएंगे ना, अगर बाई चांस पहले हम लद्दाख नहीं आ रहे थे दोबारा, तब हमें ज़्यादा चाहिए था। अब तो हम लद्दाख दोबारा वापिस आएंगे तो फिर तो हमें पेट्रोल पम्प मिल ही जाएगा लद्दाख में। ये है, दोनों राइडर्स मिल चुके हैं, दोनों ने भयंकर तरीके से बैग वगैरह बांध रखे हैं, और ऐसा लग रहा है ना आगे वाली ड्यूक कि पूरे महीने भर का राशन लेके जा रहा है भयंकर। और भाई एट द एंड देखो डिबोन भी हमारे साथ आ ही गया है, हालांकि यार उसका ना थोड़ा दिक्कत हो रखी है मुझे लग रहा है, इसने कुछ तो कैरियर लेना पड़ेगा पीछे से भाई, इतनी भरी गर्मी में कैसे जाएंगे भाव रे। कहाँ तक है? हाँ हाँ भाई वहाँ तो बहुत गर्म है। तो ऐसा करेंगे ना भाई, सुबह 4 बजे चल जाएंगे। हाँ 8-9 बजे तक चलाएंगे। हाँ कुछ उस तरह का कपड़ा वगैरह देख लेंगे। हाँ 4-9 बजे तक चलाएंगे। हाँ हाँ ऐसा भी कर सकते हैं। हाँ हाँ ऐसा भी कर सकते हैं। हम लोग बस हल्द्वानी पहुँच ही जाते हैं भाई, आज का दिन तो सिर्फ बाइक की सर्विस में ही रहा और गर्मी में झुलसते रहे हम तीनों फिलहाल। देखो हल्द्वानी पहुँचते ना 5 बज गए, होटल पे जाते हैं, चेक इन करते हैं, उसके बाद जिन इन लोगों का जो जो काम है वो ये लोग करेंगे। मैं तो भाई बढ़िया से ना पहले खाना खाता हूँ भाई, भूख लग गई है यार। हाँ मेरे कुछ कुछ काम है, तो मैं जैसे इंटरकॉम सेट करना है ये सब भी कर लिया जाएगा। अब जैसे ना हिमांशु, इसमें तेरी भी आवाज़ आएगी, मैंने बना रखा है वाला, अभी ट्राई नहीं किया ना, कर दिया ट्राई भी, अभी पता चल जाएगा। और वहाँ मैंने घर में करा ट्राई, उसके बाद ही तो इधर को लाया, नहीं तो इसमें दो दो माइक घुसा रखे हैं हेलमेट में भयंकर। मेरा भी तो 260 कहने लग गई है अब, सिर्फ हल्द्वानी पहुँचे हैं ये सोचो अभी कहाँ जाना है। तो और जाना तो दिन में चलानी भी तो नहीं है भाई, ये तो है, मेरा बैग देखना है इधर पे। सर जी होटल मिल जाए, होटल रूम मिल जाएंगे। हैं 3 लोग हैं